कस्बे में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। जनपद सीतापुर के कस्बा सिधौली में महमूदाबाद चौराहे पर शाम को सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान क्षेत्राधिकारी रामकुमार साह के नेतृत्व में चलाया गया। मास्क न लगाने वालों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई तथा जिन्हें पहले से हिदायत दी गई थी ऐसे लोगों का चालान काटा गया। क्षेत्र अधिकारी सिधौली ने बताया कि जिला अधिकारी महोदय ने नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया है। ऐसे में नाइट कर्फ्यू का पालन आम जनमानस से कराया जा रहा है तथा मास्क चेक इन अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मास्क न लगाने वाले लगभग 10 लोगों का चालान काटा गया तथा उन्हें भविष्य में मास्क लगा कर निकलने की हिदायत भी दी गई। इसी के साथ उप जिलाधिकारी सिधौली क्षेत्राधिकारी सिधौली एवं कोतवाली प्रभारी आलोक मणि त्रिपाठी अपने पुलिस बल के साथ महमूदाबाद चौराहे पर सीतापुर से लखनऊ जा रही ऑक्सीजन के ट्रक का जायजा लिया। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में लगातार ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार ने वहां ऑक्सीजन पहुंचाने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज शाम लगभग 8 बजे सीतापुर की ओर से एक कंटेनर ऑक्सीजन राजधानी लखनऊ की ओर गई है, जिसका निरीक्षण उपरोक्त अधिकारियों द्वारा किया गया है। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। सर, जिले में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसका किस प्रकार से पालन कराया जा रहा है सिधौली में? नाइट कर्फ्यू जो रात्रि 8 बजे से सुबह तक के लिए है, तो अनुपालन हम लोग करा रहे हैं। सिधौली थाने की पूरी टीम और SDM साहब भी हमारे साथ ही हैं। हम लोग पूरे कस्बे में घूम रहे हैं और सभी से हम लोग बात कर रहे हैं। 8 बजे तक सब अपने जो नाइट कर्फ्यू और कोरोना प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कराए। हम लोगों ने घूम कर सभी अनुपालन कराया और अभी भी हम लोग कस्बे में ही है। जहाँ भी किसी को किसी प्रकार का संदेह हम लोग उनको क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा मास्क पे भी चेकिंग कर रहे हैं। अभी तकरीबन हम लोगों ने 50 लोगों को बिना मास्क में चालान किया है और लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं और उनको बताया भी जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, मास्क पहन के निकले और नाइट कर्फ्यू का सख्ती से अनुपालन करें। सर, मास्क चेकिंग अभियान का कितना प्रभाव दिखाई दे रहा है आम लोगों में? देखिए, मास्क चेकिंग का सिधौली कस्बे में बहुत अच्छा प्रभाव दिखा है। लगभग सभी लोग अब मास्क लगा रहे हैं। जो इक्का दुक्का लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी कार्रवाई हुआ। ज़्यादातर लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उन्हें जानकारी नहीं है, फिर भी हम लोग उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं और कोशिश है हमारे पूरे कस्बे में लोग मास्क लगाए तभी बाहर निकले।